पे। एक बार मैं आपका दोस्त कम होस्ट अगेन आपके सामने फिर से एक अनबॉक्सिंग लेके आया हूँ। हमने एक फैन मंगवाया था एटमबर्ग का, BLDC कैमरा, BLDC मोटर का ये फ़ैन है, काफ़ी अच्छा क्वालिटी है। ठीक है, तो आइए हम अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं उसकी। ये इसका पैकिंग है, ये देखिए, इस पर लिखा भी है, इस पर लिखा भी है एटमबर्ग, वाई नॉट। ओके, तो आइए शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। ये फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन दोनों पे अवेलेबल है, आप कहीं से भी इसको परचेज कर सकते हैं। दोनों पे प्राइस भी ऑलमोस्ट सेम है, 3200-3300 इस तरीके से, अकॉर्डिंग टू सेल आपको ये प्रोवाइड हो सकता है। ठीक है, आप एक बार देखिए बॉक्स के अंदर क्या है। एक छोटा बॉक्स है और उसके साथ एक इसके ये सीलिंग फैन होगा, इसके अंदर मोटर एंड ऑल थिंग्स, इसकी एक्सेसरीज वगैरह। ठीक है, और ये इसके ब्लेड्स हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, मैंने ये ब्लैक कलर में हुआ है जो मुझे बहुत फाइन कलर लगा इसका। ठीक है, आपके पास भी काफ़ी कलर ऑप्शंस वगैरह अवेलेबल होते हैं, आप कुछ भी कोई भी कलर इसमें मंगवा सकते हैं, कॉम्बिनेशन भी है ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी इसी तरीके से लिखा है एटमबर्ग वाई नॉट सीलिंग फैन। रेनेसा मॉडल है इसका, 3 इयर्स वारंटी है, 2+1 ईयर वारंटी, हाईएस्ट रेटिंग है अभी तक का ये, 28 वॉट का फैन है ये। ठीक है, मैक्सिमम कंजप्शन इसकी 28 है, मिनिमम इसकी है 6 वॉट के। ठीक है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगा, एटमबर्ग की वेबसाइट पर भी। ठीक है, काफ़ी अच्छा है, आप इसको उधर क्वालिटी वाइज इसके रिव्यूज़ मैंने बहुत अच्छे पढ़े थे, इस वजह से मैंने ये मंगवाया है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं इसका अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी इस तरीके से लिखा है सुपर एफिशिएंट BLDC मोटर, ये एक न्यू टर्म है मोटर का। ठीक है, और इसमें रिमोट सेंसिंग, रिमोट से ही आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं, इसमें बूस्ट फंक्शन है, स्लीप फंक्शन है, टाइमर मोड फंक्शन है। ठीक है, इसमें ईयरली आप 1500 रुपीज़ तक सेव कर सकते हो अकॉर्डिंग टू दिस फैन, क्योंकि ये बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कंज्यूम करेगा आपकी। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसमें लिखा है हाई एयर डिलीवरी अकॉर्डिंग टू कवरेज। ठीक है, ये ज़्यादा मतलब लाइक जो आपके नॉर्मल फैंस होते हैं वो एक छोटे रूम के अकॉर्डिंग रहते हैं, 12x12 के रूम के लिए अवेलेबल काफ़ी अच्छा रहता है, बट ये उससे अच्छी क्वालिटी है। ठीक है, इसके आप ब्लेड्स वगैरह देखेंगे तो काफ़ी मतलब बड़े लगेंगे आपको इसके ब्लेड्स। ठीक है, तो अनबॉक्सिंग स्टार्ट किया हमने। ठीक है, तो इसके अंदर हम देखेंगे क्या क्या आइटम निकला है दोस्तों। ये एक आई थिंक ब्लैंक बॉक्स है या कुछ, इसमें दो कप है इसके। ठीक है, ये देखिए इसमें दो कप्स हैं। ठीक है, इस पर भी इसका नेम लिखा है, ये एटमबर्ग लिखा है, ये ऊपर की तरफ का है जो सीलिंग में लगेगा। ठीक है, सो दैट इसका नेम इस फेज में, ये इस तरीके से नहीं लग सकता, ये सीलिंग की साइड में लगेगा। इसमें भी यहाँ पे नेम हो सकता है, इसमें नेम नहीं है नीचे वाली साइड में। ठीक है, क्योंकि वो फैन के पीछे छिप जाएगा, मे बी शायद कलर कॉम्बिनेशन और लुक वाइज के लिए उन्होंने नहीं लिखा हो एटमबर्ग नेम। ठीक है, तो आइए दूसरी चीज़ देखते हैं इसमें। एक ये इसका रोड है। ठीक है, ये एक कॉम्पैक्ट साइज रोड है। ठीक है, अगर आपका रूम का हाइट अगर अबव 10 फीट है, ठीक है, 11 है, 12 फीट है, तो आप ये रोड मार्केट से हाइट में ज़्यादा भी ले सकते हैं, बट अगर आपके रूम की हाइट 10 फीट है, 9 फीट है, तो आप ये रोड यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन के साथ में ये दिया जाता है। ठीक है, ये इसका हुक है, जो नॉर्मल फैंस के साथ आपको देखने को मिलता है, ये हुक इस तरीके से है। ठीक है, आपको देखने को मिलेगा,
हर पेन के साथ आते हैं ये हुक और ये नट बोल्ट है इसके, जिससे हम इसको हैंग करेंगे। ठीक है, ये सभी पेन्स के साथ अवेलेबल होता है। ये इसका कॉम्पैक्ट रिमोट है, आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं इसको निकाल के दिखाता हूँ सो देट आपको अच्छे से नज़र आए। ये देखिए बिल्कुल छोटा सा है, मेरे हाथ से आप कंपैरिजन ले सकते हैं कि इसका साइज़ कितना छोटा होगा। ठीक है, ये इसके साथ इन्होंने सेल्स भी दी हैं। ठीक है, और सेल्स हैं पैनासोनिक के, तो काफ़ी अच्छा क्वालिटी लग रहा है मुझे, रिमोट का भी अच्छा होगा। ठीक है, क्योंकि बैटरी पैनासोनिक का दिया है जिसकी लाइफ जो है काफ़ी लॉन्ग होती है। ठीक है, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा क्वालिटी लग रहा है, अभी तो कॉम्पैक्ट लग रहा है काफ़ी। ठीक है, और सेल डालेंगे एंड यूज़ करेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो अभी हम इसको इसी में रख के पैक करके रख देते हैं। अब फाइनली देखिए इसका मोटर है, इस तरीके से पैक होके आता है ये। ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से पैक होके आता है सो दैट इसको कहीं से भी डैमेज ना हो। आप देख सकते हैं ये 5 स्टार है, इसका रेटिंग भी लिखा हुआ है, पावर सेविंग गाइड भी मेंशन है। हम ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर देंगे, इसका इमेज भी शेयर कर देंगे, HD इमेज। इसमें लिखा है सर्विस वैल्यू है 8.2। ठीक है, और इसमें इसके कंजम्पशन वगैरह भी लिखा हुआ है, काफ़ी अच्छा है। सीलिंग फैन है, एटम बर्ग कंपनी का है, रेनेसा 1200 मॉडल है, BLDC है, 1200 mm इसका इसका साइज़ है, स्वीप साइज़। ठीक है, पावर इनपुट है 28 वॉट। ठीक है, तो इसका जो पावर इनपुट है ये 28 वॉट मैक्सिमम है, इतने कंजम्पशन पे भी यूज़ करेगा, यानी कि नॉर्मल जो फ़ैन होते हैं आपके घर में। ठीक है, जो नॉर्मली आते हैं आप 1500 2000 तक के आप जो नॉर्मल यूज़ करते हैं वो 75 वॉट्स के होते हैं। अगर आप देखेंगे ये वाला, ठीक है, तो आप इतने कंजप्शन में 75 वॉट्स के अकॉर्डिंग आप ये 3 फैन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और आपका इलेक्ट्रिसिटी सेविंग होगा, अगर आप 3 फैन इलेक्ट्रिसिटी इन्वर्टर पे यूज़ कर रहे हैं तो एज़ कम्पेयर टू अदर फैंस, नॉर्मल फैंस, आप BLDC मोटर यूज़ कीजिए, एटम बर्ग यूज़ कीजिए। BLDC मोटर में बहुत सारे आते हैं, ठीक है, कॉम्प्टन के भी हैं, बट ये सबसे कम वोल्टेज यूज़ करता है। ठीक है, अब अभी फ़िलहाल मार्केट में सबसे ज़्यादा BLDC में यही चल रहा है। ठीक है, आप इसी क्वालिटी देख सकते हैं। ठीक है, मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था ये फ़ैन की। ठीक है, अभी मुझे मौका लगा तो मैंने ये परचेज़ कर ही लिया फाइनली। आप देख सकते हैं ये देखिए कितना कॉम्पैक्ट है, आपको इसके अंदर भी दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें LEDs भी होती हैं। ठीक है, हम ट्राई करेंगे इसका इंस्टॉलेशन आपको दिखाने का, इंस्टॉलेशन प्रोवाइड करके। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे इस तरीके से, एक मिनट रुकिए। ये देखिए आपको इसके अंदर का दिख रहा होगा इस तरीके से, ये नॉर्मली आप यूज़ करेंगे तो इस तरीके से नज़र नहीं आएगा। इसमें LEDs भी नज़र आ रही होंगी आपको, अगर कैमरे में नज़र आ रहा होगा तो देखिए आपको कितने अच्छे से ये दिख रहा है। LEDs वगैरह भी इसमें मेंशन है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 LEDs हैं, और आपको प्योरली आपको दिख रहा है ये ग्लास टाइप है मटेरियल। ठीक है, काफ़ी अच्छा लग रहा है वैसे तो मुझे, बाकी अभी यूज़ करेंगे, कंज्यूम करके देखेंगे तब इसको पता चलेगा हमें। ठीक है, तो कैसा होगा ये आप देख सकते हैं अभी। ठीक है, तो हम ट्राई करेंगे इसका इंस्टॉलेशन भी आपको प्रोवाइड करके दिखाएं। ठीक है, तो ये देखिए बहुत स्लीक तरीके से वर्क कर रहा है ये। ठीक है, अभी जब हम इसको यूज़ करेंगे तब पता चलेगा हमको। तो दोस्तों अभी मैं इसको पैक करके रख देता हूँ, एक और इंस्टॉलेशन, एक और चीज़ ओपन करके दिखाते हैं हम इसकी। ठीक है, अभी के लिए मैं इसको एज इट इज़ रख देता हूँ सो देट हम आपको दूसरी चीज़ ओपन करके दिखाएं। ये देखिए इसका वारंटी कार्ड है, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन परचेज, योर पावर सेविंग स्टार्ट्स नाउ। ये इसका वारंटी कार्ड है 2 ईयर्स। ठीक है, बट आप इसको रजिस्टर करेंगे ऑनलाइन तो आपको 1 ईयर वारंटी एक्स्ट्रा मिल जाएगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है हाउ टू रजिस्टर द वारंटी। ठीक है, 1 ईयर एक्सटेंडेड वारंटी जो है आपकी वो किस तरीके से आप रजिस्टर करना चाहिए, ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। ठीक है, आप किस तरीके से वारंटी क्लेम कर सकते हैं 1 ईयर एक्स्ट्रा। ठीक है, और यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल कि आपको किस तरीके से ये इंस्टॉलेशन करना है। आप देखिए यहाँ पे रिमोट दिया हुआ है इन्होंने, यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है ये BLDC मोटर है, ये 3 एल्यूमिनियम ब्लेड्स हैं इसके। ठीक है, डाउन रोड है इसका,
और ये शेकल किट है जो मैंने फर्स्ट आपको दिखाया, ठीक है। तो कैनोपीज़ हैं, रिमोट है, मैनुअल है और वारंटी कार्ड है, ये सारी चीज़ें हमको इसमें रिसीव हुई हैं। और ये देखिए आपको छोटा सा डेमो दूंगा रिमोट यूज़ करने के पर्पज़ से। ये देखिए LED कंट्रोलर है, ठीक है, स्पीड कंट्रोल है, बूस्ट मोड है और टाइमर मोड है एंड स्लीप मोड है, ठीक है, इस तरीके से। तो अभी के लिए हम इसको एज इट इज रख देते हैं। मैं इसका जो ब्लेड्स हैं वो भी ओपन करके आपको दिखाता हूँ, अनबॉक्स करके दिखाता हूँ आपको, सो दैट आपको इजीली आप उसको कन्वे कर सकें, देख सकें कि उसमें क्या आइटम आपको मिलता है, ठीक है। तो वन सेकेंड, आई एम ओपनिंग द एल्यूमिनियम ब्लेड्स जो कि ब्लैक कलर में ही है। आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा कि कॉम्बिनेशन आते हैं वाइट एंड ब्लैक का, वाइट ब्लेड्स एंड ब्लैक आपका मोटर्स, ठीक है। तो बट मैंने कॉम्बिनेशन मंगवाया है ब्लैक एंड ब्लैक, प्योर ब्लैक, तो मुझे ब्लैक कलर अच्छा लगता है, तो ब्लैक जेड ब्लैक में ही मैंने मंगवाया है ये, ठीक है। तो अभी इसके विंग्स देखते हैं कैसे हैं, किस क्वालिटी में है। अभी तक हमने जितना देखा वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी अभी तक मुझे लगा, ठीक है। और हम ट्राई करेंगे इंस्टॉलेशन भी आपको इसका दिखाएं। ये देखिए दोस्तों, काफ़ी अच्छा लाइट वेट है, ठीक है, एल्यूमिनियम ब्लेड्स हैं और मुझे क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा लग रहा है इसमें। इस तरीके से मुझे कुछ नट बोल्ट नहीं लग रहा है, अदरवाइज़ आप दूसरे पेंस में देखेंगे तो उसमें यहाँ पे पेज होते हैं सो देट आप उसको ओपन कर सकें, बट यहाँ पे ओपन करने का कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, ये सील्ड है बेसिकली, ये देखिए। और इसका कलर जो है वो बिल्कुल फाइन है कि कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि मे बी शायद ये डस्ट प्रूफ भी हो। इसमें एक डस्ट प्रूफ मॉडल है, मैंने वो चेक नहीं किया, ठीक है, बट मे बी शायद ये डस्ट प्रूफ भी हो, ठीक है। तो वो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, मैं इसका लिंक शेयर करूँगा, मैंने जहाँ से परचेज़ किया है फ्लिपकार्ट से, ठीक है। ये इसके 3 मॉडल्स हमें इसमें मिले हैं, सॉरी 3 ब्लेड्स इसमें हमको मिले हैं, 1, 2 एंड 3, ये 3 ब्लेड्स मिले हैं, 1, 2 एंड 3, ठीक है। इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी ट्राई करेंगे हम आपको दिखाने की। तो अभी के लिए धन्यवाद दोस्तों, मैं आपका होस्ट दोस्त आपके सामने फिर से अलविदा कहता हूँ, और फिर हम नई अनबॉक्सिंग को लेके आपके सामने आएंगे, ठीक है। मेरा नाम पंकज है, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर न्यू वीडियोज़, प्लीज़ क्लिक ऑन बेल आइकन ऑल्सो, थैंक यू।